ये टॉपलिंग एक एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पे ये एक टॉपिक है हमारा कि टॉपलिंग, जब चीज़ें कल्टी हो जाती है, ठीक है ना, जब चीज़ें टॉपल हो जाती है, वो टॉपल कैसे होती है। अब पहले ये जहन में रख लीजिएगा कि जब भी कोई बॉडी ज़मीन के ऊपर पड़ी होती है तो उसका एक बेस होता है। जब आप मिसाल के तौर पे गाड़ी के नीचे जो रोड आता है, जहाँ पे टायर वो लगे होते हैं और टायर्स के दरमियान में जो रोड होता है, वो उसका बेस है। या अगर कोई आपने मोबाइल रखा हुआ है तो मोबाइल जिस सरफेस पे रखा हुआ है उस सरफेस को आप उसका बेस एरिया कहते हैं, ठीक है। अगर आप खड़ी हुई है ज़मीन के ऊपर तो आपके पाँव के नीचे जो ज़मीन आ रही है वो आपका बेस एरिया है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए बेस, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बॉडी है, सपोज कर ये वाली बॉडी है, अगर ये बॉडी यू स्ट्रेट खड़ी कर दे तो उसका बेस एरिया ये उसका बेस एरिया बन जाएगी। आपको नजर आ ये वाला उसका बेस एरिया ये वाला, ठीक है, और ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर आप इस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, पुश कर देते हैं और अपने बेस एरिया से उसको उठा देते हैं, जैसे देखिए उठाई हुई है बॉडी, तो अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बेस एरिया के अंदर है तो जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आएगा, ये मुस्तकिल किसी नई पोजीशन पे नहीं जाएगा, ठीक है। यानी जब मैं इस बॉडी को, आप ये देखिए अगर ये आपको नज़र आ रहा है, तो अगर आप इसको वापस मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर अभी पुश किया हुआ है सपोज कर, इसकी वजह से ये जो है पोजिशन बन गई है, जब आप इस फोर्स को इधर से हटा देंगे इस फोर्स को, तो ये वापस सीधी हो जाएगी। क्योंकि वजह क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको नजर आ रहा है कि ये बेस एरिया से नहीं निकला, यानी कि बेस एरिया के अंदर आ रहा है। इस वजह से जब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया के अंदर है तो वो अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस आती है। कभी स्पीडी कार आपने देखी हुई है, जब कार स्पीड में होती है और किसी टर्न को काट रहा होता है तो उस टर्न में वो उसके एक साइड के टायर थोड़े से उड़ जाते हैं, अंदर की तरफ जो टायर्स होते हैं वो थोड़े से ज़मीन से रोड से उड़ जाते हैं, लेकिन वो कल्टी नहीं होती, वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाती, वापस सीधी हो जाती है। इसलिए कि उसका जो वज़न होता है वो उस रोड से निकलता नहीं है, उस बेस एरिया से निकलता नहीं है, और इसलिए जब थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है तो वो पहले वापस सीधी हो जाती है, वापस अपने पहले वाली पोजिशन पर आती है। लेकिन अगर उसका वजन वो इतनी कल्टी इतनी टेल्ट हो जाए, इतना जो है उसके अंदर मतलब वो आ जाए कि वो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस एरिया से निकलता है, तो फिर वो वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे नहीं आती, बल्कि उसकी फिर ये वाली हालत हो जाती है, ये जो शेप आपको ये नज़र आ रही है ये वाली शेप, फिर इसकी ये वाली हालत हो जाती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली हालत हो जाती है। उसकी वजह क्या, देखिए अब यहाँ पर एग्जैक्टली वही बॉडी है, पहले हमने थोड़ा सा कम पुश किया हुआ था जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस एरिया के अंदर था, तो जब हम उसको छोड़ता तो ये वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आता। यहाँ पे देखिए क्या पे हमने उसको इतना ज़्यादा उसको टिल्ट किया हुआ है, उसको पुश किया हुआ है, इतना ज़्यादा झुका दिया उसको एक साइड पे कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये देखिए उसका बेस एरिया अब ये बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया बन रहा है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर निकल गया। अब उसके लिए एक नया बेस एरिया बन गया, आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाला अब उसके लिए बेस एरिया बन गया, ये वाला एरिया बन गया। अब ये एक नई बेस एरिया के अंदर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एंटर हो गया, तो अब बजाय पुराने वाले बेस एरिया में वापस आने की बजाय ये अब नए वाले बेस एरिया पे जाके बैलेंस होगा, ये नीचे गिरेगा उसके बाद ही बैलेंस हो जाएगा, रुक जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आपके घर के अंदर अगर कोई अलमारी है आप ज़्यादा उसको धक्का दे दे तो वो गिर जाएगी, अगर आप थोड़ा सा कम धक्का देंगे तो वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आती है। ये किसी भी चीज़ के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है टॉपलिंग के लिए, चीज़ें टॉपल कैसे हो जाती हैं उसकी जो रीज़न है वो मैंने आपको बता दी कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब बेस एरिया से निकल जाती है तो फिर वो बॉडी टपल हो जाती है, एक नए पोजीशन पे वो बैलेंस में आ जाती है, ठीक है। और अगर वो बेस एरिया से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं निकलता तो फिर वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे वापस आती है। यहाँ पे ये देखें, ये बंदा इस गाड़ी को उठा रहा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये देखें कि ये जो गाड़ी है ये इस तरफ नहीं गिरेगी, इसलिए इसका वजन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके नीचे बेस, ये देखिए अगर क्रैंक को आप हटा दें इसमें से ना तो ये अपने पहले वाली पोजीशन पे वापस चली जाएगी, इसलिए कि अभी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस एरिया से नहीं निकली है, ठीक है। इसलिए ये गाड़ी कल्टी नहीं होगी, टपल नहीं होगी, ठीक है।
इसको देखें, ये रक्षा है, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, लेकिन ये गिरेगी नहीं, इसलिए कि अब इसका वजन इतना मेरे ख्याल में बेस एरिए से निकला नहीं है। अच्छा, इसने वैसे सपोर्ट के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें भी रखी हुई है, ताकि ये जो वेट वेट उसका अगर बढ़ जाता है, बेस एरिए से निकल जाता है, तो उसको यहाँ पे सपोर्ट होता है ताकि वो गिरे ना। ठीक है, तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हैं। बहरहाल चीज़ें किस तरह से टपल हो जाती हैं, जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस एरिया से निकल जाती है। अब आ जाइए स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, हमारे पास स्टेबिलिटी कितनी होती है? स्टेबिलिटी मतलब ये है कि एक चीज़ अगर अपने मतलब कितना आसानी से वो टपल हो जाती है या कितने मुश्किल से वो टपल हो जाती है, वो उसकी स्टेबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप पेंसिल को उसके शार्प वाले हिस्से के ऊपर अगर आप उसको खड़ा करना चाहें तो वो खड़ी नहीं होती, इसलिए कि उसका बेस इन बहुत ज़्यादा कम होता है, ना होने के बराबर होता है, इसलिए वहाँ पे वो बैलेंस नहीं होती। तो हमारे पास असल में स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई बॉडी जो स्टेबल कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में है, तवाजुन में है, बैलेंस में है, वो कितना ज़्यादा बैलेंस है, उसको अपने बैलेंस से यानी उसको टफल करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होती है। अगर टफल करने के लिए कम फोर्स चाहिए तो आप उसको हम कहते हैं कि कम स्टेबल है, और अगर बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए तो वो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए और मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे दूंगा। यहाँ पे देखिए, ये बॉल है, ये उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर आप इसको इधर से पुश कर देते हैं, इसको इधर से ही पुश कर देते हैं, इधर से यू पुश करते हैं तो ये वापस जा के अपनी पहली वाली यहाँ पे, तो देखिए उसका वेट यहाँ पे है और यहाँ पे जो उसका एरिया टच हो रहा है वो यहाँ पे टच हो रहा है। तो अब ये देखिए, ये वापस लुढ़कते हुए इस तरफ आ रही होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसका वेट जो है उसके बेस एरिया से बाहर है। इस कंडीशन में देखें कि इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और उसका बेस, ये इसका बेस है, बेस एरिया भी यहाँ पे ये टच हो रहा है, लेकिन उसका वेट जो है बाहर है, तो ये वापस इस तरफ गिरेगा और गिरता जाएगा यू आ जाएगा, फिर गिरता जाएगा और वापस जब यहाँ पे आके बैलेंस हो जाएगा, इसलिए कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बेस एरिया के साथ जब सीध में आ जाएगी तो यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखें, इस कंडीशन में ये उसका ये पॉइंट है और ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको ये बैलेंस मिल रहा है। तो अब इस टाइम ये बैलेंस है, ये इस टाइम ये बैलेंस है, कि जब आप उसको थोड़ा सा पुश कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपने उसको पुश कर दिया तो ये किसी ने यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए कि जब आप उसको पुश करते हैं तो वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ जाती है, ये ज़्यादा स्टेबल है। ये वाला कम स्टेबल है, क्योंकि अभी यहाँ पे तो ठीक है स्टेबिलिटी है, लेकिन हल्का सा पुश कर दे तो इस तरफ पुश कर दे या इस तरफ पुश कर दे, दोनों साइड से ये गिर जाता है, वापस चला जाएगा अपने पहले वाली पोजीशन पे, कभी भी नहीं आएगा। तो ये कम स्टेबल है। और ये वाला हमारे पास जो है, ये एक और इसकी कंडीशन है, ये वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा के लिए लाइन अप, आप देखिए उसको पुश कर दें इधर आ जाए, तब भी ये देखिए ना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सीध में होती है, बेस एरिया में, तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल। अब ये तीन तरह के आपके पास इक्विलिब्रियम में आ गए। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला स्टेबल, आप जितना भी पुश करें वापस अपने पहले वाली पोजीशन पे आएगा। ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा पुश किया और वो अपने पहले वाली पोजीशन कभी नहीं आएगा। और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल ये है कि आप उसको पुश करते जाएं, जितना भी पुश करना चाहें, हमेशा के लिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस एरिया, बेस एरिया के अंदर ही रहेगा। देखिए, जब ये मूव करता जाएगा, यू मूव करता जाएगा, लुढ़कता जाएगा, उसका बेस एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा के लिए सी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ गया, ये वाला सपोज करें यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए ना, बेस एरिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा के लिए सीध में होंगे, यहाँ पर आ गए फिर भी सीध में, यहाँ पर भी सीध में, कहीं पर भी उसको ले जाएं, तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा के लिए बेस एरिया के अंदर रहता है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये बॉल स्पेयर्स जो होते हैं वो हमेशा के लिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा उसको पुश कर दे तो ये पहले वाली पोजीशन पर वापस नहीं आएगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, आप उसको पुश कर दें वापस अपने पहले वाली पोजीशन पर आएगा, ये थोड़ा सा मूव करता जाएगा और फाइनली यहाँ पर आके वापस बैलेंस हो जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अच्छा, ये वाली कुछ चीज़ दी हुई है उसमें, ओके, तो ये मैंने पहले बता दिया, देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीनों चीज़ें, ये स्टेबल है,
ये अनस्टेबल है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है।